हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी इलेक्ट्रिक मोटर के बैरिंग किस तरह रिप्लेस किए जाते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि हर इलेक्ट्रिक मोटर में दो बैरिंग्स इंस्टॉल की जाती हैं, ड्राइवन एंड साइड पे और नॉन ड्राइवन एंड साइड पे। और बैरिंग का मकसद होता है कि फ्रिक्शन लॉसेस को कम करना और रोटर को प्रॉपरली लोकेट करना, एक जगह पे फिक्स करना स्टेटर के साथ। ये पर्पज़ है। और हर बैरिंग की एक शेल्फ लाइफ है, रनिंग के साथ साथ उसकी लाइफ कम हो जाती है, नॉर्मल साउंड आना शुरू हो जाता है, तो बैरिंग की रिप्लेसमेंट वक्तन फवक्तन करनी पड़ती है। सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले तो बैरिंग रिप्लेसमेंट के लिए जो टूल रिक्वायर्ड हैं उसमें आपके पास स्पैनर सेट होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर सेट होना चाहिए, बैरिंग पुलर्स होने चाहिए, बैरिंग इंसर्टिंग किट और स्नैप रिंग प्लायर होना चाहिए। ये आपके टूल हैं एक बैरिंग रिप्लेसमेंट के लिए। प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आप रिमूव करेंगे फ़ैन कवर को, नॉन ड्राइवन एंड साइड पे जो कूलिंग फ़ैन लगा हुआ है उसके कवर को रिमूव करेंगे। अगर स्टड वगैरह रस्टेड हैं तो WD-40 वगैरह कोई क्लीनर लगा के उसको क्लीन करके फिर स्टड ओपन करके फ़ैन कवर रिमूव कर लेंगे। फैन कवर के रिमूवल के बाद फिर आप मोटर पे मार्किंग करेंगे ड्राइवन एंड साइड के कवर का स्टेटर के साथ और नॉन ड्राइवन एंड साइड के कवर का स्टेटर के साथ, ताकि कवर इंटरचेंज ना हो जब आप असेंबल करें या रोटर आप उल्टी फिक्स ना कर दें, तो इसलिए मार्कर से मार्किंग करेंगे आप। उसके बाद फैन रिमूव करना है, कूलिंग फ़ैन। और कूलिंग फ़ैन की रिमूवल के लिए एक सील लगा हुआ है, लॉक, सीलिंग लॉक लगा हुआ है, उसको आप स्नैप रिंग प्लायर से उस लॉक को रिमूव करेंगे, हटाएंगे। उसके बाद फ़ैन को रिमूव कर लेंगे। अगर हार्ड होगा फ़ैन तो आप पुलर से रिमूव कर लेंगे, अदरवाइज़ वैसे खींच के उसको निकाल सकते हैं बाज़ मोटर्स में। उसके बाद देख लें आप, ये फ़ैन कवर रिमूव किया इस मोटर में। अब आप रिमूव करेंगे नॉन ड्राइवन एंड साइड का कवर। इसमें स्टड लगे हुए होते हैं 3 या 4, तो वो स्टड ओपन करके आप नॉन ड्राइवन एंड साइड का कवर रिमूव करेंगे। उस कवर के रिमूवल के बाद आपका रोटर बाहर निकल जाएगा नॉन ड्राइवन एंड साइड से, और फिर आप ड्राइवन एंड साइड का कवर भी रिमूव कर लें, उसकी क्लीनिंग वगैरह कर लें। अब आप मोटर के रोटर से दोनों साइड के बैरिंग्स को पुलर से रिमूव कर लें। पुलर्स आपके पास होने चाहिए। अब आपने पुलर लगा के बैरिंग दोनों साइड के रिमूव करके सेम उसी टाइप के और उसी साइज़ के बैरिंग को दोबारा इंसर्ट करेंगे, नए बैरिंग्स विद इंसर्टिंग किट, बैरिंग इंसर्टिंग किट के साथ आप दोनों साइड पे दो नए बैरिंग इंसर्ट कर लेंगे। बैरिंग सील उसी तरह प्रॉपर वहाँ जहाँ लगे हुए थे बैरिंग के इंटरनल साइड पे, वो उसी तरह वापस लगाएंगे। उसके बाद बैरिंग इंसर्ट कर देंगे। जब दोनों साइड पे बैरिंग रिप्लेस होंगे उसके बाद आप रोटर को स्टेटर के अंदर जिस तरह रिमूव किया था उसी तरह वापस लगा के दोनों साइड के कवर लगाएंगे। सबसे पहले ड्राइवन एंड साइड और नॉन ड्राइवन एंड साइड के कवर को फिक्स कर लेंगे। उसके बाद आप कूलिंग फ़ैन फिक्स करेंगे। कूलिंग फ़ैन के बाद उसका सील लगा के फ़ैन कवर लगा देंगे और आपका मोटर रेडी हो जाएगा।